मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक बड़ा चुनौती बन गया है। राज्य में चुनाव प्रचार के बीच CM शिवराज सिंह चौहान पूर्व CM कमलनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में CM शिवराज सिंह एक मीटिंग में पूर्व CM और कांग्रेस नेता कमलनाथ को रोकने की बात कह रहे हैं। वीडियो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज हूबहू CM शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की लगेगी। वहीं दूसरी तरफ दावा ये भी किया गया है कि तेलंगाना में भी TPCC प्रमुख A. रेवंत रेड्डी का AI जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर BRS के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसमें अब वायरल वीडियो में कह दिया गया है कि जो पार्टी के लिए एक बड़े झटके का काम कर सकता है। आपको बता दें कि G20 की बैठक के बाद इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में रीलों की बाढ़ आ गई थी। भारत हास्य प्रधान देश है और प्रधानमंत्री खुद अपने ऊपर हल्के फुल्के व्यंग बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर है जब किसी की छवि या किसी को भी ऐसे मजाक से नुकसान होने लगे तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। वोटर्स को गुमराह करने और चुनाव पर असर डालने वाले इन वीडियो और इनको बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी जान लेते हैं। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत डीप फेक संबंधित मामलों से निपटा जा सकता है। नागरिकों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए इस एक्ट में कई प्रावधान है। सेक्शन 66E प्राइवेसी से जुड़ा मामला देखता है। ये पहचान है कि चोरी पर कानूनी शिकंजा कसता है। धोखे या बेईमानी से जानबूझकर अगर आपने किसी दूसरे की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन का किसी व्यक्ति की प्राइवेट का उल्लंघन करते हुए उसकी सहमति के बिना उसके प्राइवेट एरिया की इमेज को कैप्चर या पब्लिश करता है या फैलाते हैं तो 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वही अश्लील कंटेंट फैलाने के मामले में भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।